एक ऐसी फिल्म जिसने एक एक्टर को रातोंरात सुपरस्टार बना दिया। फिल्म थी आशिकी 2 और एक्टर थे आदित्य रॉय कपूर। एक्टर आदित्य रॉय कपूर आज अपना 37वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। 16 नवंबर 1985 को मुंबई में जन्मे आदित्य रॉय कपूर मशहूर निर्माता निर्देशक सिद्धार्थ रॉय कपूर और अभिनेता कुणाल रॉय कपूर के छोटे भाई हैं। अभिनेत्री विद्या बालन उनकी भाभी हैं। आदित्य पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और अलग मुकाम हासिल कर लिया। बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर ने अपनी एक्टिंग के दम पर पहचान बनाई और वो 14 साल से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। और इस बीच उन्होंने अलग अलग तरह के कई किरदार भी निभाए हैं। सिल्वर स्क्रीन पर जमकर रोमांस भी किया और एक्शन भी किया है, लेकिन पिछले 10 सालों से आदित्य रॉय कपूर के हाथ एक भी हिट फिल्म नहीं लगी है। तो चलिए आज उनके जन्मदिन के मौके पर उनके करियर की कुछ बातें कर लेते हैं। आदित्य रॉय कपूर ने एक्टर के तौर पर अपना करियर साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म लंदन ड्रीम से शुरू किया था। अजय देवगन और सलमान खान की इस फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा था। इसके बाद उन्होंने गुजारिश और एक्शन रिप्ले जैसी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन कोई पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हुई। इसके बाद आदित्य रॉय कपूर के हाथ एक ऐसी फिल्म लगी जिस फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। मूवी है आशिकी 2। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी है आशिकी 2 और आदित्य रॉय कपूर के साथ इस फिल्म में श्रद्धा कपूर भी नजर आई थी। साल 2013 में रिलीज हुई इस म्यूजिकल लव स्टोरी में दोनों की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया था। ये फिल्म रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। आशिकी 2 ने दुनिया भर में 109 करोड़ रुपए का ताबड़तोड़ बिजनेस किया था, जबकि इसकी लागत सिर्फ 15 करोड़ रुपए थी। इस फिल्म सक्सेस ने आदित्य को फर्श से हर्ष पर पहुंचा दिया था। आपको बता देते हैं कि आदित्य की पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। दरअसल आशिकी 2 में काम करने के बाद से ही आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर के अफेयर की चर्चा जोरों पर होने लगी थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, साथ रहना उनको पसंद था और डेट भी कर रहे थे, लेकिन आशिकी 2 के बाद दोनों की जोड़ी फिल्म ओके जानो में दिखाई दी थी। हालांकि आदित्य और श्रद्धा के रिश्ते को अभिनेत्री के परिवार ने कभी स्वीकार नहीं किया था। श्रद्धा की माँ को हमेशा ऐसा लगता था कि आदित्य श्रद्धा के करियर पर बोझ बन रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों की राहें साल 2016 में अलग हो गई थी। श्रद्धा कपूर के बाद आदित्य रॉय की जिंदगी में दीवा धवन आई। दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, हालांकि दोनों ने ही इसकी पुष्टि नहीं की है। एक इंटरव्यू में आदित्य ने कहा था कि वो और दीवा कई सालों से अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच इससे ज्यादा कुछ रिश्ता नहीं है। दीवा के बाद अब आदित्य रॉय कपूर का नाम अनन्या पांडे से जोड़ा जा रहा है। चलते चलते आपको बता देते हैं कि आशिकी 2 के बाद आदित्य रॉय कपूर ये जवानी है दीवानी में दिखे थे, लेकिन इसमें उनका सपोर्टिंग रोल था। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ने इस फिल्म में लीड रोल निभाया था। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, लेकिन इसके बाद आदित्य रॉय कपूर का करियर ट्रैक से उतर गया। उनकी दावते इश्क, फितूर, ओके जानू, कलंक, मलंग, राष्ट्रकवच ओम, गुमराह जैसी फिल्म धड़ाधड़ फ्लॉप हुई है। आशिकी 2 की सक्सेस के बाद आदित्य रॉय कपूर की एक भी फिल्म हिट नहीं हो पाई। आज आदित्य के जन्मदिन के मौके पर हमें लगा कि एक्टर आदित्य के करियर से जुड़ी कुछ बातें आप सभी के साथ शेयर की जाए। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, और ऐसी तमाम किस्से कहानियों के लिए न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहिए।